नमस्ते दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन बाई तारक में आज आप लोगों को फिर से और एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे बतख का मांस जो हम बाज़ार से लाए हैं। पूरा बतख है, ये मादा बतख है, इसको बनाएंगे आज रेसिपी। तो चलिए पहले इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद कैसे बनाएंगे आप लोग देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बतख का मांस काट कर रेडी कर लिया है, तो चलिए अब थोड़ा धो लेते हैं पानी में, उसके बाद रेसिपी शुरू करेंगे। पहले आग जला लेंगे। दोस्तों आग जल चुका है, सरसों का तेल डाल लेते हैं। दोस्तों प्याज का कटा हुआ पीस डाल लेते हैं, मिर्च प्याज अच्छा से ब्राउन हो, मतलब ब्राउन कलर का जब तल जाएगा उसके बाद मसाला डालेंगे। दोस्तों प्याज के कलर ब्राउन हो चुका है, उसके बाद मसाला डाल देंगे। दोस्तों इसमें क्या क्या मसाला है, इसमें है प्याज का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और लाल मिर्च का पेस्ट है। दोस्तों बतख के मांस के लिए लहसुन ज़्यादा डालना पड़ता है, इसलिए लहसुन का भाग ज़्यादा है। दोस्तों इसमें अब हल्दी पाउडर डाल देते हैं। अच्छा से मिला लेंगे। दोस्तों रेड चिली पाउडर डाल देते हैं। दोस्तों अब टमाटर को भी डाल देंगे। दोस्तों अब स्वाद अनुसार थोड़ा नमक डाल देते हैं, एक चम्मच।
और थोड़ा बस मिला लेंगे। मसाला जब तक ब्राउन कलर नहीं हो जाता है तब तक दोस्तों हम लोग फ्राई करेंगे। दोस्तों मसाला पूरा पक चुका है, फ्राई हो चुका है अच्छा से। उसके बाद बटर टमाटर को डाल देंगे यहाँ पर। अच्छा से मिला लेंगे। थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे ताकि मांस अच्छा से पक जाए। दोस्तों करीब 10 मिनट ढक कर रखे थे, उसके बाद ढक्कन उठाकर थोड़ा फ्राई करेंगे। दोस्तों थोड़ा पानी डालेंगे। करीब करीब दोस्तों हो चुका है, धनिया का पत्ती डाल देंगे बाद में जब चिकन बन जाएगा, उसके बाद थोड़ा डालेंगे, फिर मिलाएंगे अच्छे से। दोस्तों अब चिकन मसाला थोड़ा डाल देते हैं। दोस्तों कलर लाने के लिए थोड़ा कश्मीरी मिर्च डाल देंगे, कश्मीरी मिर्च का पाउडर है। मांस होकर रेडी हो चुका है, अब कलर होने के लिए ये कश्मीरी मिर्च थोड़ा पाउडर डाल दिए। दोस्तों अब उतारने से पहले गरम मसाला डालकर उतारेंगे, 2 मिनट रख देंगे उसके बाद उतारेंगे। ये है गरम मसाला। दोस्तों ग्रेवी को थोड़ा पतला बनाने के लिए थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा और 2 मिनट ढक रख देंगे, उसके बाद नीचे उतार लेंगे। उबल जाने के बाद नीचे ढकना को उतार लेंगे। दोस्तों ऐसे ही धीमी आंच में ये उबलेगा, उसके बाद नीचे उतार लेंगे। ढक्कन को खोल कर देखेंगे, पूरा उबल चुका है। ये देखिए किस तरह का कलर आ गया है, रेड कलर का पूरा एकदम। बत्तख बनकर रेडी। दोस्तों अब जो धनिया पत्ता का काट कर रखे हैं इसको डाल देंगे चारों ओर। दोस्तों अब उतार लेंगे नीचे। दोस्तों अब थोड़ा टेस्ट करके बताते हैं आप लोग को कैसा बना है। बहुत गर्म है दोस्तों, पूरा पक चुका है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बना है।
दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर इस वीडियो इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के घंटा को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर से और एक बार नई रेसिपी के साथ आएंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय कर दो, बाय खा लो और टेस्ट कर लो। मम्मी बोल दे यम्मी यम्मी, इस तरफ देखो यम्मी यम्मी।